नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, ये है महिंद्रा का 265 DI और इसमें रियर एक्सल जो होता है वो, उसकी जो आयल सील होती है वो कट चुकी है और बियरिंग भी हमको यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि बियरिंग भी इसकी ख़राब हो चुकी थी, व्हील बबलिंग कर रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी आयल सील को कैसे चेंज करते हैं और बियरिंग को कैसे बदलते हैं। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है प्लेट आयल सील वाली, इसको साफ़ करेंगे और उसके बाद में आपको साफ़ करना है रियर हाउसिंग होती है, ये देखिए रियर एक्सल की जो हाउसिंग है यहाँ पे, इसको भी ऊपर की तरफ वाला हमें एरिया, इसको सही तरीके से सब साफ़ करना है। पैकिंग वगैरह यहाँ पे लगती है क्योंकि पुरानी पैकिंग जो है इसमें क्या है, चिपकी रहती है, तो इस वजह से इसको साफ़ कर लेंगे। और जो नई वाली बियरिंग है, ये है नई वाली बियरिंग, इसको वहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। पुरानी वाली आयल सील को यहाँ से प्लेट से निकाल देंगे। तो ये नई वाली आयल सील जो है इस पे हम इस प्लेट में बैठाएंगे और पुरानी वाली को निकालने के बाद तो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं किसी हथौड़ी वगैरह से, आराम आराम से चारों तरफ से समान तरीके से बैठा के। तो यहाँ पे रियर एक्सल वाला जो आयल सील होती है पूरी तरीके से बैठ चुकी है, यहाँ पे लग चुकी है नई आयल सील। अब बढ़ेंगे बियरिंग की तरफ, बियरिंग को कैसे एक्सल में फिट करेंगे उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये है रियर एक्सल, इस पे हम ऊपर की तरफ से बियरिंग को लगाएंगे और आप इसको घुमा कर फ्रीली मूवमेंट करा सकते हैं, थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा के लुब्रिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जो रियर एक्सल हाउसिंग होता है जो इनर अंदर की तरफ जो भाग होता है, ये देखिए इस पर भी बियरिंग लगाना है, वो अंदर की तरफ रहेगा। अभी आपको आगे दिखाएंगे कि अंदर की तरफ लगा कैसा होता है। अब यहाँ पे रियर एक्सल हाउसिंग को यहाँ पे फिट कर देंगे और उसके बाद में जो हमारा ये रियर एक्सल है इस पर हम बुश को बैठाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये बुश है, बुश को इस तरीके से करना है कि ये फ्रीली अपनी जगह पे मूवमेंट हो। इसके लिए आप लुब्रिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, मोबिल ऑयल वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, इसको पैकिंग भी लगाना है। यहाँ पे पैकिंग लगाने के लिए आपको यहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मतलब ग्रीस वगैरह आप लगा सकते हैं ताकि लीकेज ना हो। तो यहाँ पे रियर एक्सल हाउसिंग आप देखेंगे, जब अंदर की तरफ देखेंगे तो ये जो बियरिंग आपको दिखेगी एक अंदर भी, तो यहाँ पे आपको सेंटर लगाना पड़ेगा। जब भी आप एक्सल को अंदर डालेंगे तो उधर PTO साफ जहाँ से लगती है हमें सेंटर यहाँ से बिठाना पड़ेगा। तो सेंटर लगा के हम यहाँ से रियर एक्सल को यहाँ पे फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं रियर एक्सल को कैसे इसके अंदर फिट करेंगे। यहाँ से देखेंगे आप, सेंटर लगाना पड़ेगा आपको और उसके बाद में रियर एक्सल हाउसिंग को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है, यहाँ आयल सील भी लग चुकी है और बियरिंग भी नए लग चुके हैं। तो ये इस तरीके से ये हो गया है कम्प्लीट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।